वो बोलो यार कंजूस बंदा शूम होवे ओदे कोल भी दस कढा लैंदे ओए मैं तुहानूं अपनी दसदा मौलवी बंदे आ नचण टप्पण वालिआं दे किन्ने खिलाफ ने ते साडे पाकिस्तान दा कल्चर भी आ खुसरे जिहड़े ना बच्चा जम्मे ते वधाई लैण आउंदे उत्थे नचदे ने बूहे आ के लोकी नहीं चाहुंदे ने ओह मेरे बूहे ते आ गए कि मौलवी घर बड़ा महंगा पुत्तर होया है ते मौलवी अमीर है वह आ गए मैं आखा गल सुन लो इत्थे करना कुछ नहीं जे ते पहल भी मैं ना ये काम मैं करन देना किसे नूं ना तुसा करना है ओए चलियो अगले मौलवी कोलों माल लै गए ते तुसी किड्डे अंतरे जे तुसी अल्लाह कोल नहीं जे कढ़ा सकदे कुछ कढ़ा दित्तीए ओए शूम तो शूम बंदे कोलों भी लोकी पैसे कढ़ा लैंदे ने अज वादा करो ओदियां तरीफां ही इन्नियां करांगे बह के शहनशाह खा मौलवी मगर लगे हुंदे जे मौलवी दुआ मंगा रहा हुंदा इधर वेखो मैं मौलवियों की भी वेख इलाज वेखे ने नमाज तो बाद दुआ मंगाते ने वो चलो लोगों दुआ का मुनकर आते जे तो खुद किस तरह की मंगते जे आ सुनो मौलवी आ नमाज तो बाद मूँह च पता नहीं की पढ़न दिया है तो पिछे भी बैठे ने गूंगे जे मौलवी इस्तमाही दुआ मंगानी हो तो मूँह कुछ फुट मैं वेख्या हर नमाज तो बाद मौलवी लग पा चलो मैं दो मिनटा च मंग के वहाओ की मंगे दो मिनटा ही तो उन्हें पहलो अल्लाह की सनाह नहीं बयान की होनी हदीस का तरीका है नबी पाक ने कहा जिन्हें दुआ मंगनी पहले अल्लाह की हमदो सना बयान करे फिर मेरे ते दरूद पढ़े फिर अपनी हाजात पेश करे बोलो भी दरूद पढ़न ते कोई मिनट तो लगता ही होएगा ते फिर अल्लाह की हमद बयान करते भी टाइम लगता हो कदी जन्या मंगन वाले मंगन वाले फकीर वेख लो चौक च खड़े होंगे कंजूस बंदे की इन्नी तारीफ करते हैं वो जेब चो भी दस कढ़ा ले नबी दा दादा मक्के दा चौधरी होके पुछन दिया तू उदू वड्डा चौधरी है ओए पुत्र बैठ जाओ तुसी ना पुछिया जिवें लड़पण गई बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ नीचे नीचे बैठ जाओ भावें कहते जोड़ा च बह जा मैं हैरान हाँ